नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को न्यूज़ तो मिली गई होगी कि भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हो गई है। आज 16 अगस्त 2018 को उनकी डेथ हो गई एम्स में। पिछले 9 हफ्ते से वो एम्स में एडमिट थे। उनको किडनी की दिक्कत थी, उनका जो यूरिनरी ट्रैक था जहाँ से यूरिन वगैरह बनता है उसमें इन्फेक्शन था, किडनी की दिक्कत थी और प्रॉपरली अच्छे से उनकी बॉडी में यूरिन वगैरह नहीं बन पा रहा था। तो काफ़ी दिक्कतों के बाद अल्टीमेटली आज उनकी यहाँ पर डेथ हो गई 16 अगस्त 2018 को। न्यूज़ मीडिया में सुबह से शाम तक यही चलता रहा, पूरे दिन भर यही चलता रहा। अल्टीमेटली तो न्यूज़ तो आपको मिली गई होगी, उनका इतिहास, उनके सेंटेंस, उनका राजनीतिक सफ़र, सब कुछ के लिए न्यूज़ मीडिया अवेलेबल है आज की डेट में सबके लिए। तो मैं यहाँ पर सब बातें करने वाला भी नहीं हूँ। वैसे भी अल्टीमेटली बोलूँ मैं तो एक युग का अंत हो गया। अपने यहाँ पर वो एक इंस्टीट्यूशन थे, बहुत कुछ उनसे लोग सीख सकते थे, बहुत लोग उनसे लोग सीखते थे, उनका आज अंत हो गया। उस युग में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की जी के साथ में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी लिंक थी और कुछ बुराइयाँ भी लिंक थी। बुराइयों का यहाँ पे मैटर खोलना, बात करना अच्छी बात नहीं है, तो मैं ज़्यादा बात करना चाहता भी नहीं हूँ इस मैटर पर, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ में कुछ ना कुछ प्लस और माइनस दोनों होते हैं और हमें उस व्यक्ति की ज़िंदगी से प्लस लेना चाहिए और माइनस पे कम ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। तो अल्टीमेटली एक युग का यहाँ पे एंड हो चुका है और अब हमारे बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे। तो ये तो मीडिया की न्यूज़ है जो आपको सब कुछ बताई गई। सुबह से शाम यही चलता रहा, सुबह से शाम तक सारे नेता आए, कांग्रेस के, बीजेपी के, विपक्ष के, जो भी नेता हैं, छोटी छोटी पार्टियों के, सब ने अपनी अपनी बातें दी यहाँ पर और न्यूज़ डिबेट में भी पूरी इतिहास खोल के रख दिया गया। ये सब कुछ न्यूज़ में चल रहा है। हमारे देश में एक ट्रेंड है, जी हाँ, एक सिस्टम बन चुका है कि जब भी किसी बड़े नेता की मौत होती है, किसी बड़े इंसान की, अच्छे इंसान की मौत होती है, तो पूरा सिस्टम लोगों जाग जाता है। जी हाँ, लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं, स्टेटस शेयर करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, मीडिया में डिबेट्स होते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पे चलती हैं। ये एक बिल्कुल ट्रेंड बन चुका है, एक दिन के लिए, बस बिल्कुल एक दिन के लिए। अगर कोई अच्छे नेता की मौत होती है तो कुछ दिनों बाद उसके नाम पे एक बिल्डिंग बना दी जाएगी, कोई भवन को बना दिया जाएगा, उनकी मूर्ति को लगा दिया जाएगा या फिर एक रास्ता वगैरह बना दिया जाएगा। हम उस रास्ते पे चलें चाहे ना चलें, उनके दिखा रास्ते पे हम चलें चाहे ना चलें, उनके नाम पे रास्ता पक्का बना दिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद में हम अगले दिन से अपनी ही लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं और जहाँ पर डीपी उस महान नेता की थी, महान आदमी की थी, अगले दिन किसी और की डीपी आ जाती वहाँ। मतलब सिर्फ यहाँ पे एक दिन के लिए याददाश्त होती है पक्की, उसके बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये देश में ट्रेंड बन चुका है पूरी तरह से, बिल्कुल। और आज भी यही पूरे दिन तक यही चलता रहा, बिल्कुल। जितने भी नेता हैं, कोई भी नेता हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सारे नेता, जितने भी नेता हैं, सभी आज यही कर रहे हैं पूरी तरह से और हम भी अल्टीमेटली यही कर रहे हैं। आज आप कहीं पर भी जाओ, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा, हर जगह पर आपको अटल बिहारी वाजपेयी ही दिखाई देंगे, बस एक दिन के लिए। हम उनसे कुछ सीख ना सीखे, लेकिन आज तो उनका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये उनके लिए श्रद्धांजलि है हमारे ट्रेंड की, हमारे सिस्टम की, जो कई दिनों से, कई सालों से, कई पीढ़ियों से लगातार आगे बढ़े जा रहा है। हमें उनकी ज़िंदगी से सीखना चाहिए, नेताओं को भी सीखना चाहिए, एक आम आदमी को भी सीखना चाहिए कि किस तरह से विरोधी का सम्मान करना चाहिए, किस तरह से उसे अपनी बात रखने का हक होता है और हमें इत्मीनान से उसकी बातों को सुनना चाहिए। वो भी इंसान होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम बस डीपी लगाएंगे, यही काफ़ी है। किस तरह से आज की ज़िंदगी में जहाँ पर जीतना ही सब कुछ है, चाहे वो राजनीति हो, नॉर्मल ज़िंदगी हो, हर जगह पे जीतना ही सब कुछ है, चाहे उसके लिए हम किसी को मारना पड़े, काटना पड़े, ये चीज़ें आज हो रही हैं, लेकिन उनके टाइम में नहीं होती थी। उनके टाइम में सामने वाले का सम्मान होता था, मानवता सबसे ऊपर होती थी, लेकिन आजकल जीत सबसे ऊपर हो गई है। ये जो नेता हैं जो वहाँ पर बैठ के भाषण दे रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, उनको भी वहाँ पर सीखना चाहिए कि किस तरह से 50 साल के करियर में, जहां पर उन्होंने राजनीति की, विपक्ष में भी रहे वो, पीएम भी बने वो, उसके बावजूद भी उनका अकाउंट का बैलेंस कभी ऊपर नहीं गया। सबसे ऊपर अपना खुद का सम्मान था, देश का सम्मान था, अकाउंट बैलेंस भले नीचे रहे, बैंक अकाउंट बैलेंस, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज एक साल कर लो पॉलिटिक्स, सिर्फ एक साल कर लो आप, उसके बाद आपका बैलेंस तो छोड़ो, आपका तो छोड़ो, आपके जितने रिश्तेदार हैं, बाप, बेटा, जितने भी लोग हैं, साला, साली, जीजा, फूफा, जो भी हैं, सबका बैलेंस अपने आप ऊपर निकल जाता है। और ये वही नेता हैं जो आज खड़े हो गए वहाँ पे, उनको याद कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। ये इनका सम्मान है, ये कोई सम्मान नहीं होता है, सिर्फ फेक सम्मान है यहाँ पे। और लगातार ये जो ट्रेंड है कई सालों से, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है।
हमने कुछ भी नहीं सीखा। आज राजनीति उस टाइम के हिसाब से आज बहुत बदल चुकी है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी डेथ हो गई है, नाम ले लो, याद कर लो, बस काम खत्म। कल हम वही करेंगे जो हम पहले करते आ रहे थे। ये हमारे लिए, हमारे द्वारा दिए गए उनके लिए क्या है, श्रद्धांजलि है। आपकी श्रद्धांजलि के वो कोई नीड नहीं है बॉस, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने अच्छे काम किए हैं कि उनको ऑटोमेटिकली स्वर्ग ही मिला होगा। तो आप उन्हें श्रद्धांजलि दें चाहे ना दें, फर्क नहीं पड़ता है। तो जो दे रहे हैं वो ढंग से दे दें यार। लेकिन नहीं, आज के दिन भी हम वही करेंगे। ऐसे ऐसे नेता जिन पर पता नहीं कितने आरोप है, एक धर्म को टारगेट बनाते हैं, एक लोगों को टारगेट बनाते हैं, वो लोग आज अटल बिहारी जी के लिए याद कर रहे हैं, बस एक दिन के लिए। बस अगले दिन उन्हें वही करना है जाके, धर्म को टारगेट करना, हिंदू मुस्लिम करना, बस यही करना। तो यही सारी बातें थी जो मुझे देख के काफी बुरा लगा, और मुझे लगा कि शायद एक बार इस मैटर पर बात करनी चाहिए। तो अटल बिहारी जी हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, और प्लीज इस तरह का फेक सम्मान देना बंद कीजिए। अगर सम्मान देना है तो उनकी जिंदगी से कुछ अच्छा सीखिए, वरना कुछ भी नहीं होगा। आज जैसे आप डीपी उनकी लगा रहे हैं, कल डीपी आपकी भी लोग वैसे ही लगाएंगे। आपकी भी डीपी लगाई जाएगी जब आपकी डेथ होगी, आपका स्टेटस बनाया जाएगा, फोटो लगाई जाएंगी फेसबुक पे, आपको ट्रेंड किया जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाए जाएंगे, डिबेट्स बनाए जाएंगे। नेताओं से बोल रहा हूँ मैं, आम आदमी की तो वैसे इज्जत होती नहीं है। तो जो नेता आज नाटक कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके साथ भी कल वही होगा। लोग उनको भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आज आप इनको ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि मरना तो सभी को है और ट्रेंड यही है।